गुम है किसी के प्यार कहने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जहाँ पर सभी शादी का जोड़ा पहन कर आ चुकी है और यहाँ ईशान सभी लोग जो बहुत पढ़े लिखे सभी लोगों को गन पॉइंट पर रखा होता है और बाहर वो ब्लास्ट भी करवा देता है। सभी एक मोबाइल ढूंढती है अपने जो जिस रूम में रहती है वहाँ पर बहुत सारे बैग्स होते हैं बच्चों के और वो वहाँ पर मोबाइल ढूंढते ढूंढते पा जाती है और इंदर को फ़ोन करती है जो इंदर होता है पाटिल का दोस्त उसे और बताती है कि यहाँ भवर पाटिल ने सभी लोगों को गन पॉइंट पर रखा है, मैं ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें। और यहाँ ईशान भी पहना होता है वो घड़ी, घड़ी वो वाला होता है जिसमें टाइमर लगा होता है और वो टाइमर वाला घड़ी उसे वो उसमें निकालता है कमिश्नर का नंबर और वो कॉल कर देता है। वहाँ पर भवर पाटिल जो भी कुछ बोलता है वहाँ पर सब कुछ सुनाई देता है और कमिश्नर सब कुछ सुन लेते हैं। कमिश्नर सुनने के बाद वो कहते हैं कि ये भंवर तो बहुत ही ज़्यादा बेकार निकला और इतना जिद्दी हो गया कि कुछ भी समझ में नहीं आया, सारा माहौल ही ख़राब कर दिया ये। तो यहाँ पर भंवर पाटिल को सबक सिखाने के लिए कमिश्नर कहते हैं कि जल्दी से एक टीम तैयार करो, हमें भोसले इंस्टीट्यूट जाना होगा। कमिश्नर सभी लोग आते हैं, यहाँ ईशा और शांतनु भी पहुँच चुके हैं। वो लोग भी जब जानते हैं सोचते हैं कि अंदर सभी लोग फंसे हैं तो बहुत ज़्यादा ईशा घबरा जाती है और वो ईशान को पुकारने लगती है, कहती है ईशान मुझे ईशान चाहिए। यहाँ शांतनु होता है वो कहता है कि ईशान हमारा ठीक है। और जब पाटिल कहता है कि यशवंतराव भोसले को कि तुम्हें डांस करना होगा, यशवंतराव भोसले डांस तो करने लगता है लेकिन उसे डांस आता नहीं है। वो जब ईशान को मारने जाते हैं सभी लोग तब वो कहता है मैं नाचूंगा और भंवर पाटिल डांस करने लगता है। उसके बाद देखेंगे आपकी गाना चलाता है भंवर पाटिल और यशवंतराव भोसले नाचने लगता है। ये देखकर भंवर पाटिल कहता है ये वीडियो तो बनाना बनता है और ये पक्का वायरल होगा। उसके बाद वो वीडियो बनाने लगता है। यहाँ सभी कमिश्नर को इंदर को कॉल करके सब कुछ बता देती है। इंदर उसके बाद पाटिल का जो भी होता है पिछला बैकग्राउंड चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सारे कैदी और जितने भी मुजरिम होते हैं उन लोगों को बुलाकर भंवर पाटिल ने भोसले इंस्टीट्यूट में इकट्ठा किया है। कभी सब कहते हैं कि भंवर पाटिल के पास इतने उसके पास हथियार कहाँ से हैं। इंदर कहता है मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया, उसने अपने प्रॉपर्टी अपना घर सब कुछ बेच कर खरीदा है और जितने भी जेल में कैदी थे उनको भी उस छुड़ा कर उसके बाद ये सब किया है। सभी लोग को बताने का उसे भंवर पाटिल को पता चलता है कि ईशान के पिता हैं शांतनु और ईशा मैम। तो ईशान कहता है कि इस बाबा हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो सोचता है कि मेरे साथ वो भी अब फिर जाएंगे। बाहर ब्लास्ट कर देता है पाटिल जब सभी वहाँ पर तैयार होने जाती है। उसके बाद जब सभी तैयार होकर आ रही होती है थोड़ी देर होने के बाद ही मंदार कहता है कितना देर तुम लोग लगा रहे हो, क्या कर रहे हो अंदर, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा तोड़ देता है, सभी तैयार हो रहे हो जल्दी सो जाती है और दुर्वा कहती है तुम जल्दी से चलो, मेरा पूरा परिवार वहाँ पर फंसा हुआ है, तुम यहाँ क्या कर रही हो टाइम पास। सभी कहती है तुम्हारे परिवार को बचाने का तरीका ढूंढ रही हूँ और जितने भी लोग फंसे हैं सभी को बचाने का तरीका ढूंढ रही हूँ। यहाँ पर सभी मोबाइल से कॉल तो कर देती है। उसके बाद वो जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है और यहाँ पर आती है। वहाँ पर आने के बाद भंवर उसे देखता ही रह जाता है, वो कहता है पूरी फूल लग रही है, फूल नहीं पूरा बगीचा लग रही हो, अब तुम लग रही हो भंवर का, भंवर की दुल्हन, हाथों में नाकों में नथ और बालों में गजरा बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी कहती उसके बाद उसका हाथ उठ जाता है, सभी उसे थप्पड़ मारती हुई कहती है कि भंवर पाटिल ये सब क्या कर रहे हो तुम, क्या करना चाहते हो तुम। भंवर पाटिल कहता है कि मैंने आपको अच्छे से दुल्हन की तरह तैयार होने के लिए कहा था, आप ये क्या करके आ गई, मेहंदी कहाँ है आपकी। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं भी बार बार ये सोचता था कि ये लोग एक कैसे हो जाते हैं, अब इन्हें अलग परमानेंटली करना होगा। अब वो ईशान को मारने की कोशिश करता है और कहता है कि अब इन लोगों को परमानेंटली अलग करना होगा। ईशान को मारने जाता है तभी अक्का साहब और राज सभी लोग रोक लेते हैं। वो रीवा को बुलाता है और कहता है कि ये आइटम तू इसको तू सौतन है इसकी ना, तू इसे मेहंदी लगा। वो उससे मेहंदी लगवाता है सभी को। ईशान कहता है कि तुम इसके नाम की मेहंदी अपने हाथों में कभी मत लगाना। सभी पहले तो मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है और कहती है कि मैं अब तुम्हारे नाम की मेहंदी हाथ में लगाऊंगी, लेकिन ईशान सर का कुछ नहीं करना। यहाँ बाहर ब्लास्ट हो जाता है और शांतनु और ईशान रीवा उसे सभी को मेहंदी लगाने लगती है और सब कुछ साथ है। बाहर ब्लास्ट होता है, वहाँ पर ईशा और शांतनु होते हैं और कमिश्नर भी आ जाते हैं। सारे लोग बेहोश हो जाते हैं वहाँ पर। कमिश्नर को बहुत ही आश्चर्य होता है, वो कहता है मुझे नहीं पता था कि भंवर पाटिल इतना पागल इंसान निकलेगा। यहाँ ईशा अपने प्यार का इजहार करती हुई नजर आएगी शांतनु से, वो कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
तुम वादा करो कि तुम लौट कर आओगे। शांतनु कहता है ठीक है मैं लौट कर आऊँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ और पक्का मैं लौट कर आऊँगा। वो कहती है तुम वादा करो कि मुझसे मेरे बच्चों को भी साथ लाओगे और तुम भी आओगे। शांतनु कहता है कि मैं अगर वापस ना आ पाया तो तुम